गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सुबह के 10 बज रहे हैं और नौ तपा स्टार्ट हो गया है कल से, तो कोशिश करिएगा जितना हो सके पक्षियों के लिए पानी रखें, जीव जंतुओं के लिए पानी रखें। मेरे टेरिस पर तो हर तरीके का जीव आने लगा है अभी। इवन कल जिसको हम आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, छचुंदर बोलते हैं, जो चूहे जैसी होती है, आगे से अजीब सा जिसका मुँह होता है, वो भी मेरे टेरिस पर, सोचिए पाँचवीं मंजिल चौथी मंजिल पर आई हुई थी। तो आने लगे हैं सारे जीव। अब वो गर्मी से आ रहे हैं या क्या है, क्योंकि हर तरीके का कोशिश कर रही हूँ कि पौधे तो बचे ही बचे रहें, साथ ही साथ जो पक्षी आते हैं या जो भी जीव हैं पल रहे हैं, मिट्टी में पल रहे हैं या बाहर हैं, वो सारे बचे रहें तेज़ गर्मी से। क्योंकि 2 जून तक अच्छी खासी गर्मी पड़ने वाली है। नौ तपा बोला जाता है, 9 दिन बहुत तपते हैं, और कहा जाता है कि जितना मतलब तेज़ गर्मी नौ तपा में रहती है उतनी ही अच्छी बारिश आती है। बाकी पता नहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और कल तो देखिए टेरेस पर मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरे टेरेस पर स्लग निकलती हैं, गमलों के नीचे रहती हैं, क्योंकि गमलों के नीचे ऑलमोस्ट मतलब हमेशा ही मॉइस्चर रहता है या गमलों के अंदर रहती हैं। कल वो दोपहर में हो सकता है टेरेस गर्म हुआ हो और वो गमलों के नीचे से निकल के बाहर निकली हों, और सच में वो छत पर चिपक गई, इतनी गर्म थी छत ना, और मर गई। देखकर बहुत दुख हुआ, बट मैं कुछ कर नहीं सकती। अब तो सिर्फ एक ही कोशिश है कि बारिश आने तक पेड़ पौधे बचे रहें और मिट्टी में रहने वाले जीव बचे रहें। जैसे ही पानी डालती हूँ बर्ड्स आ जाती हैं नहाने के लिए पत्तों के ऊपर। और ये देखिए, ये एक पॉट है जिसमें पानी वाले प्लांट लगे हुए हैं, इसमें आप देख रहे होंगे बीज कितनी सारी हैं। तो पानी हर एक जीव को चाहिए होता है, तो प्लीज़ जितना हो सके अपने टेरेस पर मिट्टी के बर्तनों में पानी भरिए। मेरे यहाँ तो वो प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उसमें सभी में पानी ख़त्म हो जाता है सुबह से शाम तक, इतनी सारी ये बीज आती हैं पानी पीने के लिए। और डेली सुबह भरती हूँ और शाम को भरती हूँ, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करिएगा और मिट्टी में प्रॉपर तरीके से पानी डालिएगा। कल मैंने जब वीडियो डाला था तो किसी मैम ने कमेंट किया था कि मैम 9 बजे नहीं या 9-10 बजे नहीं, आप सुबह सुबह 6 बजे डाला करिए। तो देखिए पहले मैं 6 बजे ही डालती थी, सुबह 6 या 7 बजे, दोपहर तक पौधे बिल्कुल मुरझा जाते थे। लेकिन अभी मैं जब 9:30 10 बजे के आसपास जब मैं पानी डालती हूँ तो दोपहर मेरा निकल जाता है, और 5 बजे मैं फिर से पानी डाल देती हूँ, तो पौधे थोड़े सही कंडीशन में है कि मैं इन्हें देख पा रही हूँ। नहीं तो लिटरली आपको पता है, जब अपन पौधों को केयर करते हैं बच्चों की तरह से, तो इनको देख कर भी रोना आने लगता है। तो बस मेरा तो यही मानना है कि मैंने जो मिट्टी में जीवन पैदा किया है या अमृत मिट्टी बनाई है, उसी के कारण है कि ये इतनी तेज़ धूप को झेल पा रहे हैं खुले आसमान के नीचे। और इसे मैं शायद नहीं, कंफर्म ही कहूँगी, प्रकृति माँ का आशीर्वाद ही कहूँगी कि जो मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ मिट्टी के लिए करने की या पौधों के लिए करने की, उसी का फल है कि भगवान बनाए मतलब अपनी कृपा बना रखी है कि इतनी गर्मी को सह पा रहे हैं पौधे। और सच में नमन करती हूँ रोज़ अपने टेरिस पर आकर प्रकृति माँ को कि बस ये गर्मी एक महीना और है, फिर तो बारिश आ ही जाएंगी आई थिंक, तो ये पौधे सही सलामत रहें। और जो मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करती हूँ उससे काफ़ी सारे लोग टच में आए हैं जो कि ये सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके यहाँ भी प्लांट ठीक ठाक हैं। तो यकीन मानिए जो मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नेचुरल हैं, जैविक हैं, वो अगर प्रैक्टिसेस आप करते हैं तो मुझे लगता है 46-47 डिग्री तक तो टेम्परेचर आपके पौधे आसानी से झेल सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक भी बीज नहीं लगाऊंगी, लेकिन एक गार्डनर को क्या है, एक लालच बहुत रहता है। ये देखिए मैंने गणेश बेल के, मेरे पास 3 कलर थे, तीनों लगा दिए हैं और जर्मिनेट भी हो गए हैं। ये देखिए, और लगाई मैंने कोकोपीट में ही है, क्योंकि जैसे शेयर किया कोकोपीट में एक तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, क्योंकि मेरे ये बीज जो है टेरिस पर ही जर्मिनेट होते हैं, टेरिस पर ही रखे रहते हैं, तो कोकोपीट थोड़ा बेटर काम कर रही है। और देखिए सुबह के 9:30 बज रहे हैं जैसे मैंने बताया, और एक पार्ट में अभी यहाँ इस वाले पार्ट में बिल्कुल धूप नहीं है, इधर देखिए कितनी तेज़ धूप है, और मैं बहुत आराम से बैठकर यहाँ काम कर पा रही हूँ। उसके पीछे रीज़न है, इतना सारा प्लांट है ना, तो यहाँ ठंडक है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे लग नहीं रहा कि टेरिस पर बहुत गर्मी है या कुछ है, बहुत ही एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा घर भी ठंडा है, जो मुझे एसी के दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा, एक आध बार थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में कूलर भी नहीं है तो हल्का फुल्का चलाना पड़ता है, बट पौधों की वजह से काफ़ी रिलीफ है। तो आपके पास अगर टेरेस है, बालकनी है या ऐसी जगह है जहाँ पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो जितना हो सके पौधा लगाइए, और देशी वैरायटीज़ लगाइए, मत जाइए हाइब्रिड की तरह, बहुत पैसा खर्च नहीं होता है। देशी वैरायटीज़ हार्डी होती हैं और बहुत अच्छे से चलती हैं, क्योंकि ये वही चीज़ आपको देंगी जो कि आपको हाइब्रिड या महंगे वाले पौधे देंगे। तो लो मेंटेनेंस प्लांट उगाइए, फ्री के आपको बीज मिल जाएंगे, कटिंग्स मिल जाएंगी, आने वाली बारिश में मैं शेयर करूँगी बहुत सारी चीज़ें, तो उगा लीजिएगा।
और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पानी भर भर के खूब सारा खूब रखिएगा टेरेस पर, बालकनी में, जहाँ भी रख सकते हैं आप जीव जंतुओं के लिए पानी, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है, आप ही कर सकते हैं। हम तो जाकर अपने मटके में जाके पानी पी सकते हैं, पर जीव जंतुओं के लिए आपको ही करना पड़ेगा प्रयास, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और इन 9 दिनों में पेड़ पौधों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और जीव जंतुओं का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस पसंद आते हैं तो बने रहिएगा चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। थैंक यू।